व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज हम काफी शानदार इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। आखिर इनको शानदार किस लिए बोला जाता है, तो उसके पीछे मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर माना है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी ऊपर इन्होंने अपने देश को माना है। एक बार की बात थी, जब हमारे देश में भुखमरी की कंडीशन आई हुई थी, उस टाइम पर हम लोगों को ये देखना था कि किस तरीके से अपने देश की हालत सुधारनी है। तो ये एक फंडा लेके आए, इन्होंने बोला कि एक वीक में एक दिन कम से कम उपवास का होना चाहिए, मतलब कंट्री के हर एक इंसान को एक दिन भूखा रहना चाहिए। पर ये चीज़ इन्होंने पूरे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले, पूरे देश के सामने आह्वान करने से पहले अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट करी। और इन्होंने देखा कि अगर मेरी खुद की फैमिली में मेरे बच्चे, मेरी वाइफ एक दिन के लिए भूखा रह सकते हैं, तो उसके बाद में मैं देखूंगा कि इसको कंट्री में इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके के थे हमारे शास्त्री जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेटेडली इन्होंने काम किया है कंट्री के लिए। सबसे पहले अपनी फैमिली में उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर इन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा, तब आगे बढ़े ये उसको देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसके अलावा आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो इनका बर्थडे है वो गांधी जी के बर्थडे के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, ओके। और ये जो पैदा हुए थे वो 1904 में हुए थे, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1966 में, ठीक है। और 11th of January की बात थी, तो आज हम इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो इंडिपेंडेंट डे मूवमेंट में भी इन्होंने खूब अच्छे से बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और इसके अलावा जब हमारा देश आजाद हो गया तो अलग अलग मिनिस्ट्री की पोस्ट पर भी ये रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं। और जो सबसे फेमस इनका यहाँ पर ये स्लोगन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जय जवान जय किसान, ये इन्होंने ही दिया था उस टाइम पर। देखिए, हमारे देश को जरूरत थी एक ताकतवर आर्मी की, तो आर्मी को भी इन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया, हमारी आर्मी को भी एक तरीके से बढ़ावा दिया, मोटिवेशन दिया, और हमारे किसानों को भी, क्योंकि हमारे देश में जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी खाने पीने को लेकर। तो दोनों ही चीज़ों पर इन्होंने फोकस देकर चला, तब जाके हमारी कंट्री अपनी जो फेमाइन वाली स्टेटस थी उससे उभरती हुई नजर आई और एक अच्छे स्टेज में हम लोग पहुंचे। तो कभी भी लाइफ में आप लोगों को कुछ टाइम मिला करे थोड़ा बहुत, तो इस तरीके के इंसान के बारे में पढ़ा करो, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा सी देर में ही आप लोग अगर इस तरीके के इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरा सी देर में ही काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसको आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो आज का नैनो मैगजीन का अपना शेड्यूल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, पर लेकिन आज जो है एक तो योजना नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है, और एक साइंस एंड टेक वाला पोर्शन नहीं होगा, और एक कंट्री नहीं होगी। देखिए, डेली सारा पोर्शन कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, आप लोग मतलब अगर मेरा साथ देंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो कोई टॉपिक ऐसे रखूंगा जो ऑल्टरनेट डेज पे रखूंगा, ठीक है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही है इसके साथ में। एक तो वरना लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा लेक्चर में बड़ा भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेक्चर होता है जो कि 20 से 30 मिनट के बीच में होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। तो उसी तरीके मैं लेक्चर भी रखना चाह रहा हूँ, और ऑल्टरनेट डेज पे इनको हम डाला करेंगे। बाकी आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, ये पीआईबी की न्यूज, और ये लेक्चर वगैरह सब आप लोगों को बाकी यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं ऑल्टरनेट डेज पे करूंगा, आने वाले टाइम में आप लोगों को लेक्चर का और इंप्रूव वर्जन ही देखने को मिलेगा, कभी भी ये घटता हुआ नजर नहीं आएगा आप लोगों को, ओके। तो आज जो है हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और पीआईबी में काफी शानदार शानदार न्यूज है आज। तो आइए फर्स्ट न्यूज देखते हैं आज की पीआईबी की, तो काफी शानदार ये हमारे लिए न्यूज है, खासकर एयरफोर्स की साइड से जो आ रही है। यहाँ पर देखने को मिला है हमने प्रोग एंड ड्रोग, ये वर्ड याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट वर्ड पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो रिलेटेड किससे है, ये एयर टू एयर जो रिफ्यूलिंग की जाती है, मतलब एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में हवा ही हवा में जब फ्यूल डाला जाता है, तो ये वाला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं प्रोब एंड ड्रोग। तो प्रोब क्या होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोब ये नीचे वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, और ड्रोग हो गया ये। तो प्रोब जो होता है वो रिसीविंग पार्ट होता है, मतलब जो रिसीव कर रहा है ईंधन, और जो ड्रोग होता है वो होता है टैंकर जहां से ईंधन निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, एक में से निकल रहा है और दूसरे में डाला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यह पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ये इस तरीके की एक्टिविटी की गई है हमारी कंट्री में एयरफोर्स के द्वारा। और इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन है, ठीक है, और वो एक तरीके से मतलब फाइटर प्लेन है और वो एक तरीके से फील्ड में वर्क कर रहा है, तो वहां पर अगर एक किसी भी कंडीशन में वहां पर ईंधन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर एयर टू एयर ही वहां पर ईंधन डालना, और ये इस तरीके की फैसिलिटी बहुत कम कंट्री के पास में है, मतलब मैक्सिमम कंट्री पे पास में ये इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, और हमने ये इसको अचीव कर लिया है, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके साथ में, कि 10 मिनट की अगर हम यहाँ पर एयर फ्यूलिंग करते हैं, उसके साथ में फिर 4 घंटे तक सामने वाला जो जहाज होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जा सकती है, 4 घंटे तक वो आराम से फिर वहां पर टिक सकता है। तो काफी अच्छा आप लोग इसको अचीवमेंट मान सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में वर्ड जो है टेक्निकल, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोब एंड ड्रोग, ओके।
तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है। और यहां पर आप लोगों को ये दो वर्ड जरूर याद रखेगा, कौन सा क्या क्या है, इस तरीके टेक्निकल टर्म्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पे है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको आईपीपी भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। आखिर में ये है क्या? देखिए एक तरीके का इंडेक्स है यहाँ पर, जो पब्लिश किया जाता है हर मंथ, हर महीने पब्लिश किया जाता है, ठीक है, हर महीने पब्लिश किया जाता है। और उसमें देखा जाता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है हर एक एरिया में, अलग अलग एरिया जितने भी हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले जो बेस ईयर हुआ करता था इसका 2004 से 5 हुआ करता था, पर लेकिन अब आप लोगों को चेंज मिलेगा यहाँ पे, अब 11 और 12 कर दिया गया इसका बेस ईयर। तो इस तरीके क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कंपाइल कौन करता है इस डाटा को, कौन कंपाइल करता है इस डाटा को, कौन पब्लिश करता है, ये करता है सीएसओ। और सीएसओ के बारे में कई बार ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा चुकी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सीएसओ आता है, जो कि सारा डेटा जो होता है यहाँ पर इसका, जो आईपीपी का जो सारा डेटा होता है वो कंपाइल और पब्लिश करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करूं मैं 8 core industries की, तो 8 core industry यहाँ पर लगभग 40% आप लोग देख सकते हैं जो वेट है यहाँ पर पूरे आईपीपी का, वो 40% यहाँ पर 8 core industry ही है, और बाकी का और में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टील हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोयल हो गया, सीमेंट और नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। ये तो अपनी जगह सही है, पर कई बार क्या आता है आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि इनको मतलब किसका कितना वेट है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिला लगभग 40% के करीब यहाँ पर वेट होता है इसका, और सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद में स्टील का, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट का, फिर क्रूड ऑयल का, फिर कोल का, फिर सीमेंट का, फिर नेचुरल गैस का, फिर फर्टिलाइजर का। ये 8 के 8 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, 4 दे देगा वहां पर और एक कोई सा और देगा, 3 रहेंगे वहां पे नाम, बोलेगा कौन सा यहाँ पर कोर इंडस्ट्री है हमारी। तो 8 core industry के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो नया डेटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इनका सबकट ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, ये वाला पोर्शन यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर तक का जो यहाँ पर रिलीज किया गया अभी, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर परसेंटेज में आप लोग देख सकते हैं, मतलब किस किस में, ऑयल वाले में क्या पर रही है, यहाँ नेगेटिव में जा रहा है, कोयल वाला पॉजिटिव में है, नेचुरल गैस वाला पॉजिटिव है, रिफाइनरी भी पॉजिटिव है, फर्टिलाइजर्स नेगेटिव में जा रहा है, स्टील जो है वो भी पॉजिटिव में है, सीमेंट नेगेटिव में जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिसिटी भी पॉजिटिव में है। ओवरऑल जो देखने को मिला है पहली बार जो था वो था 118.9, अब जो हो गया 123 हो गया, ठीक है, ओवरऑल इंडेक्स अगर देखा जाए तो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद में आप लोगों ने जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन देखा, तो हमारी जीडीपी काफी घटती हुई नजर आ रही थी, पर लेकिन अब कुछ ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है और इसके आगे आने वाले टाइम में और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, फेस्टिवल का नाम है कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल, ओके। ये जो है सबसे पहले आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में ये हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये किसके साथ में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है यूनेस्को के साथ में, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एम क्या है इसका, एम यही है कि देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पर पुराने फेस्टिवल्स होते हैं, पुरानी जैसे कई सारी लैंग्वेज भी हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में बोलना छोड़ चुके हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करना छोड़ चुके हैं, तो वो आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म न हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि इस आर्ट को यहाँ पर प्रिजर्व करना है, और इसके अलावा और ज्यादा जो न्यू ऑडियंस है उसको भी गैदर्ड करना है इसके साथ में, ताकि पता चल सके। आज से पहले आप लोगों को भी, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, पर आपको लोगों को पढ़ के इसके बारे में पता चला ना, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाए, ओके। तो ये पर्पज यहां पर है इसका। तो 7th edition इसका अभी इनॉग्रेट किया जाएगा, किसके द्वारा, किरण रिजिजू जी के द्वारा, ठीक है, होम अफेयर मिनिस्ट्री में है इनके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए 7th edition है यहां पे, ओके। तो ये आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इस कथा का जो फेस्टिवल है ये, इसके बारे में पता होना चाहिए, और न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और हाँ ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ओरल स्टोरी मतलब एक तरीके से खड़ा हो गया ऐसे ही बात, तो मतलब एक तरीके से स्टोरी बताई जाती है, ऐसा नहीं होता है कहीं स्क्रीन दिखा रहे हैं आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई मतलब नॉर्मली आप लोगों को मौखिक सामने आपके खड़ा होकर आदमी खुद स्टोरी सुनाता है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है, तो इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, इस तरीके से इसको सेलिब्रेट यहाँ पर, इस तरीके से ये फेस्टिवल होता है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों को इस तरीके के जो फेस्टिवल्स होते हैं खासकर जो कि जिनको बढ़ाना होता है, जो प्रिजर्व करना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बात करते हैं साइक्लोन के बारे में जो कि काफी न्यूज में है, तो इसको दो तरीके से मतलब यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये तो आप तो या तो OKHI लिख सकते हैं या फिर OCKHI लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं किस वाले एरिया में आप लोगों को आ रहा है। यहाँ पर आज की डेट में इंडिया के आप लोग देखिए मैप में, यहाँ पर ये इस वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। तो काफी तबाही इसने मचा रखी है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। सबसे पहले तो इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है, नाम दिया गया है इसका बांग्लादेश के द्वारा, और मीनिंग क्या है इसका, इसका मतलब है आईज, मतलब आंखें, ठीक है। तो बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है और इसका मतलब होता है आंखें। देखिए साइक्लोन जो होता है ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हमारा वाला पोर्शन हो गया ये इंडिया, यहाँ पर इसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जो लोकल नेम है वो इसको विली विली भी बोला जाता है, अगर लोकल नेम देखे तो। यहाँ पर अगर ऊपर चले थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जापान वाले एरिया में इसको टाइफून बोल देते हैं, अगर बात करूँ यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में यहाँ पर इसको हरिकेन बोल देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आप इसके नाम देख सकते हैं अलग अलग एरिया में, मतलब फिनोमिनन वही है ज्योग्राफी का, पर लेकिन अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं कौन से एरिया में क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो आज की डेट में ये आ रहा है यहाँ पर, और भी ज्यादा फास्ट पेस में ये माना जा रहा है कि लक्षद्वीप की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी सब मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, जिससे कि किस तरीके से यहाँ पर शांति रखी जाए। तो आप लोगों को दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो इसका नाम याद रखना है, दूसरा इसका नाम का मीनिंग क्या है, और तीसरा किसके द्वारा ये नाम दिया गया है और किस एरिया में ये आ रहा है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, खासकर जो टूरिज्म से रिलेटेड इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है। तो हो क्या रहा है, सिक्स्थ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कहां पे, गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में आसाम में कब से, 5 से 7 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये आखिर में है क्या, ये देखिए सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले तो कौन सेलिब्रेट कर रहा है, कौन इसको बना रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसके साथ में मिलके, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारे उनके साथ में मिलके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है ये, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है वो काफी शानदार और काफी ब्यूटीफुल है देखने में। तो आप लोगों को भी अगर कभी टाइम मिले, अगर आप लोगों को ट्रिप करनी है तो आप लोगों को जरूर यहाँ पर घूम के आना चाहिए एक बार। तो ये वाला एरिया है, इस पर काफी सुंदर एरिया है यहाँ पर, तो किस तरीके से यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाया जाए, तो सर फोकस दिया जाता है। तो इस तो बहुत सारा मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर लेकिन उसको ढंग से अब तक जनता के सामने नहीं रखा गया है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में इसको रखा जाता है, जिससे कि सब समझ सके कि ये एरिया कितना अच्छा है और यहाँ पर आकर सब इसको देख सकें। और टूरिज्म देखिए कई एरिया में फायदेमंद होता है, उसकी वजह से वहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होगा, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फैमिली कंडीशन अच्छी बनेगी, तो कई सारे फायदे इसके होते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो ये यहाँ पर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात अगर हम लोग करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, कई सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं, और इसका मतलब होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे होता है कि जो हमारी ईस्टर्न साइड है उसकी तरफ को हमको देख के काम करना है। पहले लुक ईस्ट था, फिर अब जो गवर्नमेंट बीजेपी आई है उसने गवर्नमेंट करके इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि एक्ट करना है ईस्ट की साइड में, तो ईस्ट सबसे पहले ईस्ट की साइड में एक्ट करने के लिए पहले हमको नॉर्दर्न ईस्ट वाला जो एरिया है उस पर ही वर्क करना पड़ेगा। अगर जब उस पर वर्क होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो तब हम इस एरिया में बढ़ पाएंगे। पहले हमको अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह वर्ड बोला जा रहा है पहले कि हमको एक्ट ईस्ट करना चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ पाएंगे। आज की डेट में यहाँ पर कौन कौन 29 कंट्री आ रही है और लगभग 50 डोमेस्टिक स्टेक होल्डर हैं, तो इतने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 29 कंट्री मायने रखती है, कम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। और जो यहाँ पर एरिया रहेगा ये 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो सारे के यहाँ पर बिजनेस की फैमिली और सब यहाँ पर मिलकर आएंगे, जिस तरीके से इसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कई 5 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है, पहले गुवाहाटी में, तवांग में, शिलोंग में, गंगटोक में और इम्फाल में, अब ये छठा है यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो स्टेट है हम उसमें टूरिज्म बढ़ा सकें। तो नाम जरूर याद रखिएगा, 6th इंटरनेशनल, ठीक है ना, 6th इंटरनेशनल मार्ट बींग ऑर्गेनाइज इन गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में हो रहा है 2017 में। ओके, बात कर लेते हैं नमामि गंगे रोड शो की। नमामि गंगे से रिलेटेड रोड शो निकाला गया है लंदन में, आखिर ऐसा क्यों किया गया है। देखिए नमामि गंगे मिशन चल रहा है काफी दिनों से, किस तरीके से गंगा को साफ किया जाए, गंगा में जो गंदगी है, जो गंगा में बहुत सारी इंडस्ट्री पड़ती है उसके किनारों पर, किस तरीके से उनको हटाया जाए, और जो भी स्टेट वहां पर उससे होते हुए मिलते हैं किस तरीके से उनको रोका जाए कि यहाँ पर ये गंदगी न फैलाई जाए। तो उसी के लिए नमामि गंगे ये रोड शो किया गया है लंदन में, जिससे कि वहां पर जो भी NRI हैं, जो भी वहां पर बिजनेस करते हैं उनसे पैसा यहाँ पर इकट्ठा करके इस प्रोजेक्ट को सही से लग किया जा सके। तो किसने किया है ये किया नितिन गडकरी जी ने, ठीक है, और यहाँ पर 5 बिलियन लगभग बोला जा रहा है कि यहाँ पर रिकवर हो पाएंगे, 5 बिलियन के करीब यहाँ पर मतलब पैसा मिल पाएगा, जिसके बेस पर हम फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो गंगा मिशन प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए जिससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो और कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को ये जानने को मिलेगा ये किसी भी स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब स्टेट को कुछ भी यहाँ पर अपना पे नहीं करना है, सारा सेंटर के द्वारा ही पे किया जाएगा। स्टेट कौन कौन से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और
झारखंड हो गया। अभी फिलहाल ये आप लोगों को स्टेट देखने को मिला है जिनमें अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे और भी काम है कि निर्मल और अविरल धारा बनाना है, मतलब साफ करना है और बहती हुई धारा बनाना है, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। चार फेज में इसको लगाने की बात की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गंगा को हम लोग यहाँ पर बहुत ही एक पूजनीय नदी मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैसे उसको सपोर्ट करना है। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है हमारी कंट्री का, वो भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर ये यहाँ पर सही रहेगी तो हमारी कंट्री में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इरिगेशन में फैसिलिटी आएगी, यहाँ पर जो बीमारी है वो कम होगी, मतलब बहुत सारे एरिया में आप लोग देख सकते हैं। तो क्या क्या काम करना है यहाँ पर, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा फंड का, सबसे पहले तो देखिए जितने भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो किनारे हैं वहाँ पर गंगा के, तो जो गंदगी फैलाई जाती है उनको साफ किया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा लैट्रिन वगैरह जो होती है वहाँ पर, वो सीधा सीधा गंगा में मतलब नदी नालों में बहा दी जाती है, तो उसको रोका जाएगा। फर्टिलाइजर वगैरह जो ज्यादा यूज होते हैं इस वाले एरिया में उसको भी कम किया जाएगा। शमशान घाट रहते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लाश को ऐसे ही बहा देते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इन सब एरिया में वर्क करने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पर ये रोड शो निकाला गया है। आइए थोड़ा आज की किताब के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर तीन किताबों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये मैंने योजना से उठाई है। 2017 जो जर्मनी की जो जनवरी की योजना है उससे मैंने उठाया इसको। तो तीन किताबों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तीन किताबें हैं ये, किसके बारे में, राष्ट्रपति भवन के बारे में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिश किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो गया। तो लाइफ एट राष्ट्रपति भवन, तो पहली जो बुक रिलीज की गई है ये की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, उस टाइम पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। दूसरी जो है यहाँ पर इंद्रधनुष वॉल्यूम सेकंड, ये वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, ठीक है। उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए नीचे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब तीन बुक है यहाँ पर, तीन अलग अलग है, ये एक नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति भवन फॉर फ्रॉम राज्य टू स्वराज्य, तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये तो मोदी जी, तो तीनों के ये तीन बुक है यहाँ पर अलग अलग इंसानों के द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई है, और तीनों राष्ट्रपति भवन से ही रिलेटेड है तीनों बुक्स, ओके। तो जो ये फंक्शन था जो रिलीज करने वाला उस टाइम पर, ये दिसंबर में 2016 में हुआ था। तो किताबें आप लोगों को पता होनी चाहिए किससे रिलेटेड है और किसके द्वारा ये पब्लिश की गई है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है बात, खासकर जब कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो तीनों किताब के बारे में और किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये सब आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। आज का ज्योग्राफी का पोर्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को आज जानने को मिलेगा नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ओके। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारी कंट्री में, मैक्सिमम डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, जो अपना जैसे जैसे यहाँ पर सर्दी आती है तो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ओके। तो इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई तरीके के यहाँ पर आप लोगों को जानवर देखने को मिलेंगे, लंगूर, लेपर्ड, या फिर इसके द्वारा जंगली बिल्ली, या बंगाल की फॉक्स या कोबरा, यहाँ पर सांप भी देखने को मिलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। यहाँ पर ये चमगदड़ जैसी दिख रही है आप लोगों को, पर लेकिन ये है नहीं, ये गिलहरी है आप लोगों को जो ऊपर देखने को मिल रही है। तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये बिलोंग करती है कहाँ से, नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस है श्री नैना देवी टेम्पल है, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। तो ये 51 शक्ति पिटाज है, तो कम से कम इसके बारे में आप लोगों को कम से कम याद रखना है, जो कि इससे बिलोंग करती है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आज जानते हैं हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ये देखिए ये इनोग्रेट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और कब इसको इनोग्रेट किया गया था, 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1919 में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके अलावा ये कंप्लीटली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 63% यहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, और दादागिरी यहाँ पर गवर्नमेंट की चलती है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 50% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के हैं, मतलब किसी भी कंपनी के आप लोग बोल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपके ही क्यों ना हो, अगर 50% से ज्यादा शेयर, तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में आपकी चलेगी वहां पर। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन बैंक आप इसको बोल सकते हैं, और जो ये फाउंड किया गया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और श्री राजकिरण राय जी हैं जो यहाँ पर आज की डेट में इसके MD हैं। तो हाल तो MD वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखिएगा।
और इसकी टैगलाइन जरूर याद रखेगा आप लोग, ठीक है ना। तो अच्छे लोग अच्छा बैंक, गुड पीपल टू द बैंक विद, तो इसलिए इस तरीके की जो टैगलाइन होती है कई बार पूछी जाती है, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं तो उनमें आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीएससी में तो अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है और कब इसको इनॉग्रेट किया गया था, उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट ऐसा काम चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं 1919 में काफी कुछ चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, तो ये सारी चीजें यूपीएससी में पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। वोकैबुलरी का पोर्शन आज आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख फर्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है, रिनाउन का मतलब होता है यस, मतलब जो आप लोग देख सकते हैं जो फेमस आदमी होता है, जो उसके पास में मतलब जो सेलिब्रिटी होता है तो उसको बोलते हैं रिनाउंस, मतलब ये रिनाउंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, फेम भी बोल सकते हैं, प्रेस्टीज बोल सकते हैं, सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑथर ऑफ ग्रेट रिनाउंस, मतलब एक ऑथर है वो ग्रेट यस है उसके पास में, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। और आप लोग देख सकते हैं जो ऑथर होते हैं वो बहुत ही मतलब मेहनत करके किताबों को लिखते हैं, तो उनको इस तरीके के यस मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड है ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इसको कई बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सुना होगा इसके बारे में। टेंजेंट, स्पर्श रेखा इसको बोला जाता है। नॉर्मली आप लोग देख सकते हैं टेंजेंट का मतलब मान लीजिए कोई सर्किल है और सर्किल पर इस तरीके से जो रेखा खींच दी जाती है वो टच करती हुई हल्की सी जाती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मतलब टेंजेंट का मतलब होता है हल्का सा टच होके जाना या ड्रिफ्ट होना। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली तो ऐसे जा रहे हैं पर हल्का सा यहाँ पर ड्रिफ्ट होकर दूसरी धर को चल दिए, ओके, तो ड्रिफ्ट भी बोला जाता है इसको। तो इस तरीके के वर्ड आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सिनोनिम्स हो गए यहाँ पर, ड्रिफ्ट हो गया, रैम्बल हो गया, रोम हो गया, इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना, जिस तरीके से आप लोग इस चींटी को देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हिज कन्वर्सेशन व्हेन ही डज नॉट फ्लाई ऑफ एट टेंजेंट इज फुल ऑफ पिच एंड द आइडियाज। तो ये बोला जा रहा है कि जब कन्वर्जन किया जाता है इस पर्सन के द्वारा तो वो ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटक रहा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल फुल ऑफ पिच और आइडिया के द्वारा होता है, इस तरीके से वो डिस्कशन कन्वर्जन वहां पे होता है। तो ये कुछ आप लोगों के सेंटेंस है, आप लोग नीचे अपने भी सेंटेंस बनाइएगा जरूर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अबेसमेंट, इसका मतलब होता है अपमान, मतलब एक तरीके से ह्यूमिलेट आप लोग बोल सकते हैं, तो ह्यूमिलेट बोल सकते हैं, डिसऑनर बोल सकते हैं, ठीक है, बिलाइट बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ का, क्या इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, इट इज नॉट एन अबेसमेंट ऑफ सेल्फ टू नोन दैट वंस ओन वे मे नॉट बी द बेस्ट वे, मतलब इसमें कोई अपमान का कारण नहीं है कि आप लोग माने कि हमारा जो वे है वो बेस्ट वे नहीं है, मतलब अगर पता चल जाए तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपना भी एग्जाम्पल नीचे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे बेलोइंग, इसका मतलब होता है लहराना, आप लोगों ने झंडे को देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, तो जिस तरीके से झंडा लहराता है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ड के बारे में, बेलोइंग के बारे में। स्वेलिंग मतलब थोड़ा सा सूजा हुआ आप लोग बोल सकते हैं या फिर वेविंग आप लोग बोल सकते हैं, तो फ्लैग्स बेलोइंग इन द ब्रिज, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को भी अपना सेंटेंस बनाना है। तो चार वर्ड हो गए आप लोगों के, चारों वर्डों का आप लोगों को खुद से भी अपना सेंटेंस फॉर्मेशन करना है अगर आप वास्तव में ही इसका लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों को, तीन क्वेश्चन है आज के यहाँ पर, पहले तो रिवर जो कृष्णा है उसकी ट्रिब्यूटरी बताना है आप लोगों कौन सी है यहाँ पर, नीचे आंसर दीजिएगा। फिर इसके अलावा फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है एपेक, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोगों को देखना है कि इंडिया मेंबर है या नहीं है, और क्या यहाँ पर क्वेश्चन है इसको पढ़िएगा अच्छे से, इसका आंसर दीजिएगा। और तीसरा यहाँ पर टाइड के बारे में है, तो तीनों क्वेश्चनों को पढ़ के आराम से वीडियो को पॉज करके उसके बाद में आंसर दीजिएगा, फिर कल इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। और नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका आंसर आप देख लीजिए पहले। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर सिंगन कोड के बारे में, तो ये किस तरीके का कोड था, ये आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए यूरोपियन यूनियन की कंट्री है कई सारी, तो वो क्या करें अपने आसपास वाली जो कंट्री है तो अपना मतलब बॉर्डर एक तरीके से खत्म कर दे, पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े एक दूसरे कंट्री में आने जाने के लिए। तो इस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटी की जाती थी, की गई थी इसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और ओनली यूरोपियन यूनियन मेंबर ऐसा नहीं है, बाहर के भी यहाँ पर थे, तो इसलिए जो सेकंड है ये गलत हो गया और जो फर्स्ट है वो सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया फर्स्ट वाले का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मैंने आप लोगों से पूछा था एनसीबी किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। और यहां से आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अगर डिफेंस के लिए कोई भी पैसा वगैरह देना होता है तो कौन उसको चेयर करता है, तो ये कौन है यहाँ पर, डिफेंस मिनिस्टर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो जगत प्रकाश नड्डा जी जो यहाँ पर है वो है हेल्थ मिनिस्टर आज की डेट में। अब आप लोगों को देख लीजिए जो रिवीजन करना है आप लोगों को पॉलिटिका, तो पॉलिटिका रिवीजन है यहाँ पर, ये वर्किंग ऑफ द वर्किंग एंड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी गठित की गई थी उसकी क्या क्या वर्किंग थी और क्या उसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसके बारे में आप लोगों को ये कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद में क्वेश्चन को जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा यहाँ पर कि किस तरीके से वर्किंग थी और क्या यहाँ पर रिजोल्यूशन था, उसी बाद में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे जो भी आप लोगों को चाहिए, और पीडीएफ इस लेक्चर की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये फेसबुक है यहाँ पर आप लोग लाइक कर सकते हैं पेज को जाकर, ये टेलीग्राम है, सब लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे कि सबको फायदा हो जाए। तो देखिए अपने आसपास सफाई रखिए और खुश रहिए जितना हो सकता है यार, और पानी और पेड़ पौधों को भी सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।